सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। यूपी में मतगणना के बीच भिड़े सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता, एक का सिर फटा। भारत की जनता ने पीएम मोदी को तीसरी बार सेवा काल देने का फैसला किया। चुनाव आयोग का उद्धव के खिलाफ कार्रवाई का आदेश। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। यूपी में मतगणना के बीच भिड़े सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता, एक का सिर फटा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर मतगणना स्थल के बाहर समाजवादी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। सपाइयों ने मारपीट का आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। मारपीट में सपा के एक कार्यकर्ता का सिर फट गया। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर उपस्थित लोगों ने बताया दोनों पक्षों में चुनाव को लेकर कहासुनी हुई थी, पर उनमें हाथापाई शुरू हो गई। देखते ही देखते सपाइयों एवं भाजपाइयों में मारपीट होने लगी। लोग एक दूसरे पर लात घूंसे चलाने लगे। इसके चलते मतगणना स्थल के बाहर अफरा तफरी का माहौल हो गया। कहा जा रहा है कि मारपीट में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता का सिर फट गया, जिससे सपा के कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। उन्होंने खूब नारेबाजी की। खबर प्राप्त होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष को अलग कराया। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत की जनता ने पीएम मोदी को तीसरी बार सेवा काल देने का फैसला किया। देश में मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। एनडीए ने रुझानों में इंडिया गठबंधन को पछाड़ा हुआ है। इसी बीच यूपी के मंत्री असीम अरुण ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बयान दिया है। असीम अरुण ने मीडिया से बातचीत में कहा, पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों से संतुष्ट होकर भारत की जनता ने उन्हें तीसरी बार सेवा काल देने का फैसला किया है। हम इसको सलाम करते हैं और इसको स्वीकार करते हैं। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग का उद्धव के खिलाफ कार्रवाई का आदेश। भारत चुनाव आयोग ने 20 मई को महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के दौरान एक प्रेस वार्ता आयोजित करके कथित तौर पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई का आज निर्देश दिया। आयोग ने मुंबई क्षेत्र के भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने और एक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। 20 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया था कि जिन क्षेत्रों में शिवसेना या महाविकास अघाड़ी के संभावित मतदाता थे, वहाँ चुनाव आयोग द्वारा जानबूझकर मतदान में देरी के कारण कई मतदाता वापस चले गए थे। शेलार ने आयोग से शिकायत की थी कि उद्धव ठाकरे ने प्रेस वार्ता आयोजित कर और झूठे एवं भ्रामक बयान देकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।